नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है वित्तीय समावेशन से संबंधित। तो बात करेंगे कि आखिर अभी किस संदर्भ में चर्चा में है, और बात करेंगे इसी लेक्चर में हम लोग कि वित्तीय समावेशन आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं वित्तीय समावेशन। उसके बाद देखेंगे कि वित्तीय समावेशन की आवश्यकता आखिर क्यों है, वित्तीय समावेशन की पहले क्या क्या है उन्हें भी देख लेंगे, और वित्तीय समावेशन से लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या क्या है उन्हें भी देख लेंगे, और वित्तीय समावेशन से संबंधित आपकी चुनौतियां क्या है उस पर भी नजर डालेंगे। वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु किए जाने वाले प्रयास किए क्या रहे हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। क्या होता है? किसी भी देश की आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जब मकान की आपकी नींव ही कमजोर हो तो उस पर मकान कितने दिन आप खड़ा कर सकेंगे, कितना मजबूत खड़ा कर सकेंगे, गिर जाएगा। तो आपकी आर्थिक विकास का मुख्य आधार आपकी बुनियादी ढांचा ही है। ठीक। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए एक नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबंधित किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित वंचित ना रहे। आपने देखा होगा कि अभी सभी, जब से लॉकडाउन के कारण आपकी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी हुई है तो अब सभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो सभी व्यक्तियों पर ध्यान दिया जा रहा है। केरल, कर्नाटक और मुंबई से लोगों को इसलिए नहीं आने दे रहा था, एक कारण तो यही था कि जब अभी सभी सेक्टर चालू होंगे तो वहां काम करने वाला कौन बचेगा अगर सब लोग घर लौट जाएंगे। उसके बाद घर लौटने के बाद कई लोगों के मन में डर है तो वो वापसी भी नहीं आएंगे, समझ में आए। तो इसीलिए रोक के रखा हुआ था कुछ तो, कि जब ये सेक्टर चालू हो तो पुनः इन्हें एक अच्छी ऊंचाइयां मिल सके। वित्तीय समावेशन की पहुंच बिना किसी रुकावट के विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक करने के लिए सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जैम 23 चंद आधार मोबाइल की आधारशिला रखी गई। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचने में जैम 23 की भूमिका सराहनीय रही। आपने जनधन खाता सुना होगा, ठीक है, आपने भी खुलवाया होगा गांव की तरफ, तो यही वही है। ठीक है, समावेशन के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए ही आपके इन्हें बनाए गए थे। बात करते हैं वित्तीय समावेशन से आखिर आपका तात्पर्य क्या है। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य क्या है? वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है। इससे समावेशी वित्त पोषण भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं, और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है। बात करते हैं वित्तीय समावेशन की आखिर आवश्यकता क्यों है। वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग
मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है। चूंकि अनौपचारिक बैंकिंग ढांचा कानून की परिधि से बाहर होता है, अतः उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का कानूनी तरीके से निपटान नहीं किया जा सकता है। जहां तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लाभों का, तो आपको बताते चलें कि वित्तीय समावेशन के परिणाम स्वरूप न केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्धि होती है, बल्कि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, नित नए व्यवसायिक अवसरों का सृजन करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वसुलभ बैंकिंग प्रणाली के परिणाम स्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिंग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आर्थिक वृद्धिकरण में योगदान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं हम लोग वित्तीय समावेशन की क्या क्या पहल रही है अभी तक। ठीक, जन धन, आधार, मोबाइल तरंगी। आधार प्रधानमंत्री जन योजना और मोबाइल संचार में वृद्धि से ने नागरिकों तक सरकारी सेवाओं के पहुंचने का तरीका बदल दिया है। मार्च 2020 में के अनुसार जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 380 मिलियन से अधिक रही है। व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आधार न केवल एक सुरक्षित और आसानी से सत्यापन योग्य प्रणाली है, बल्कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण टूल भी है। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में गरीबों तथा असंबद्ध लोगों को सशक्त बनाने व उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आपकी प्रमुख है। ग्रामीण और अर्ध शहरों क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। इनमें प्रमुख है आपकी दूर दराज के इलाकों में बैंक शाखाएं खोलना शामिल है, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। इनमें आपके दूर दराज बैंकों में आपने देखा होगा कियोस्क बैंक खोली गई है, SBI की ब्रांच है, इस तरह से कई बैंकों की ब्रांचें खुली हैं। इससे आपका क्या हुआ कि जनधन खाते बहुत ऊपरी स्तर पर खोले गए हैं, यानी कि अब गांव तक भी बैंकें पहुंच चुकी हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी बैंकों तक पहुंच हो सका है, इसी से संभव। ये आपका जब से जनधन खाता खुलना शुरू हुआ है तभी से हुआ है। बैंकों के साथ स्व सहायता समूहों का जुड़ाव। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM की संख्या बढ़ाना। बैंकिंग क्षेत्र में व्यवसाय अभिकर्ता मॉडल। फिर आपका डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को मजबूत करने के साथ पूर्व की तुलना में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाएगा। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। आधार सक्षम बैंक खाते को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर माइक्रो ATM का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ऑफलाइन लेन देन सक्षम करने वाले प्लेटफॉर्म अवसंरचनात्मक पूरक डेटा सेवा के कारण भुगतान प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया गया, जिससे सामान्य मोबाइल हैंडसेट पर भी इंटरनेट के बिना मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करना संभव हो जाता। फिर आपकी वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक बैंकिंग अवधारणाओं के बारे में विभिन्न लक्षित समूहों में, जिनमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, महिलाएं, ग्रामीण और शहरी गरीब और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं, को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
रिकॉर्डीज मार्केट्स ने पॉकेट मनी नामक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है। तो ये थी आपकी वित्तीय समावेशन में पहले। अब बात करते हैं हम लोग वित्तीय समावेशन से लाभ क्या है आखिर आपके। विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार वर्ष 2014 में अनुमानित 53% भारतीय वयस्कों की अपेक्षा वर्तमान में 80% वयस्कों के पास एक बैंक खाता है। यानी कि जब से आपकी ये नई एनडीए सरकार का गठन हुआ था 2014 में, उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर लोगों के पास बैंक खाते खुले हैं, ठीक है, और लोगों की पहुंच बैंकों तक हो सकी है। इसमें आपके बता रहा हूं ना कि जनधन योजना ने बहुत काफी बड़े स्तर पर योगदान दिया। जहां एक ओर इससे समाज में कमजोर तबके के लोगों की उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाएं, बीमा और पेंशन उत्पादों आदि में भाग लेकर देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर इससे देश को पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के व्यवहार में से देश के अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है। पूर्व में निजी वित्तीय संस्थान सीमित आय वाले ग्राहकों के साथ संलग्न नहीं थे, परंतु अब समय बदल गया है। इस वर्ग के साथ भी निजी वित्तीय संस्थाएं जैसे पेटीएम, एयरटेल मनी, जियो मनी जैसे पेमेंट की सक्रिय भागीदारी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि गरीबों को वित्तीय दायरे में लाना उनके व्यवसाय मॉडल के लिए भी फायदेमंद है। वित्तीय सेवाओं का एकीकरण जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का जैन त्रय योजना के साथ सम्मिलन लाभदायक प्रयोग सिद्ध हुआ है। वित्तीय समावेशन से सरकार को सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेराफेरी पर रोक लगाना में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खातों में अंतरण यानी कि ट्रांसफर कर सकती है। पहले क्या होता था कि कई लोग बीच में खा जाते थे, अब डायरेक्ट लोगों के खाते में जा रहा है, ठीक है, तो अब फायदा भी हो रहा है और पैसे की भी हेराफेरी नहीं हो रही। अब बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं वित्तीय समावेशन से। सभी की बैंकों तक पहुंच नहीं है अभी भी। बैंक खाते सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक प्रवेश द्वार है, लेकिन विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 190 मिलियन वयस्कों के पास बैंक खाता नहीं है, जिसे भारत चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। जनसंख्या में भी आपका दूसरे नंबर पर आपका देश चीन पहले स्थान पर। डिजिटल डिवाइडेंड, कम आय वाले उपभोक्ता जो डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं, इन लोगों में तकनीकी कौशल की कमी भी है। नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन का अभाव, जनधन योजना के परिणाम स्वरूप कई हजार निष्क्रिय खाते खुल गए जिनमें वास्तविक बैंकिंग लेन देन कभी नहीं हुआ। ऐसी सभी गतिविधियां संस्थानों को का खर्च बढ़ाती हैं और विशाल परिचालन लागत संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक साबित होती हैं। इन वित्तीय परिणामों से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस तरह के कार्यक्रमों में उचित उद्देश्य के साथ भाग लें, ना कि केवल औपचारिकता के लिए। आपने सुना होगा जब आपकी नोटबंदी हुई तो कई लाख खाते निष्क्रिय पड़े हुए थे जनधन खाते वाले योजना के तहत जो खोले गए थे, लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई तो उनमें पैसा आना शुरू हो गया। तो मतलब लोग अपना क्या कर रहे थे, काला धन इन खातों के जरिए डाल रहे थे, ठीक है। तो फिर कई जांच भी हुई इसकी जो भी रहा हो। अनौपचारिक और नकद आधारित अर्थव्यवस्था, भारत एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो डिजिटल भुगतान अपनाने की दिशा में एक चुनौती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में लगभग 81% व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेन देन के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था पर उच्च निर्भरता के साथ एक विशाल अनौपचारिक क्षेत्र का संयोजन डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा बन गया है। वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल। ग्लोबल फाइनेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 83% पुरुषों की अपेक्षा 77% महिलाओं ने भी नहीं किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया है। इस अंतराल के लिए सामाजिक आर्थिक कारक उत्तरदायी है, जिसमें मोबाइल हैंडसेट की उपलब्धता और इंटरनेट डेटा की सुविधा महिलाओं की तुलना में पुरुषों के बीच अधिक है। ये थी आपकी वित्तीय समावेशन के समक्ष जो चुनौतियां थी। हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन में वृद्धि हेतु किए जाने वाले प्रयास। देश में प्रत्येक कोने में बैंकिंग शाखाओं की स्थापना करने में अधिक समय लग सकता है। ऐसे में भावी ग्राहकों तक बैंकिंग गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग संवाददाता मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बैंकिंग संवाददाताओं के लिए बेहतर मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ साथ उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। जैम त्रयी योजना के साथ उचित तकनीकी विकास को जोड़कर एक डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क की स्थापना की जा सकती है। वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ने के साथ ही देश में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। विविधीकृत बैंक जैसे भुगतान बैंक और छोटे बैंक वित्त बैंक पिछड़े क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली को बढ़ाने में कारगर विकल्प साबित हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति निर्माण की प्रक्रिया एक भावी प्रभावी कदम साबित हो सकती है। इसका निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है? 12वें वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसके माध्यम से मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नीतिगत ढांचे को मजबूत किया जाए और नए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। यदि मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं तो वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीबों को भी आर्थिक विकास के लाभ प्राप्त होंगे। तो ये था पूरा आर्टिकल आपका वित्तीय समावेशन से संबंधित। तो आशा है कि आप सभी को सभी पक्षों और सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है।